जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की कहानी का नाम है सुंदर बहू। एक बार की बात है, एक घर में एक बड़ी सुंदर बहू रहती थी, लेकिन उसकी शक्ल पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए। उसके घर पे कुछ मेहमान आए, उन्होंने कहा, आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही, हमें शादी का आपको न्योता देना था। उसकी बहू को देखते ही पड़ोसियों को बड़ी हंसी आ गई। अरे, तुम्हारी बहू तो बड़ी खूबसूरत थी, उसके मुंह तो पिंपल से भर गया है। सास ने अपनी बहू से कहा, सुन, तू अपने मेकअप का सारा सामान मुझे लिख दे, मैं तेरे लिए ले आऊंगी। जब भी हम शादी में जाएंगे, सबसे खूबसूरत तू ही लगनी चाहिए। उसने लिस्ट बनाकर दे दी और उसकी लिस्ट पर उसकी सास ढेर सारी चीजें लाई और उसे अच्छे से तैयार कर दिया। जैसे ही वह शादी के लिए तैयार हुए और शादी में गए, तब वहां जाते ही उसने देखा कि उसकी जो बहू थी वह तो उससे भी खूबसूरत थी। उसने कहा, देखा देखा, मेरी बहू भी बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी बहू खूबसूरत है। उसको देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सच में वह सबसे खूबसूरत थी। उसकी सास घर पर आई और उसने बोला, भाई, अब तो तुझसे भी खूबसूरत कोई आ गया है, तो अपना काम में ध्यान लगा और बाहर काम कर। उसने कहा, ठीक है माँ जी, अब मैं घर के कामों में और बाहर के कामों में ध्यान दूंगी। इस तरह उसने घर का भी काम किया और बाहर नौकरी पे भी लग गई। और वह अपने सास को और अपने पति को ढेर सारी मेहनत करने पर बहुत सारी उसे मदद करने लगी। इस तरह से उनका घर संसार बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगा और इस तरह वह माँ बेटे और बहू बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने लगे। धीरे धीरे मेहनत करके उसने एक अपना प्यारा सा घर भी बना लिया। दोस्तों, थैंक यू, लव यू।